बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पे आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। पिछले दिनों मैंने एक पैटीज की मैंने शॉर्ट लगाई थी, तो किसी ने मुझे, मेरी एक बहन ने किसी ने पूछा था कि इसकी रेसिपी क्या है फुल। तो मैंने उनसे कहा था कि एक आध दिन में मैं आप शेयर करूंगी आपके साथ। तो उस दिन मैंने वो कीमे के बनाए थे, आज मैं चिकन से बनाने लगी हूँ। तो कहते हैं उसके लिए मुझे चाहिए चिकन, प्याज, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो मैंने मैदे में खमीर, नमक, चीनी और थोड़ा सा दही और ऑयल डाल के मैंने गूंद के 2 घंटे के लिए रख दिया था। यह मैंने सब चीज़ों को बारीक बारीक काट लिया है, केजे यानी चीज को भी मैंने कद्दूकश कर लिया। आइल के अंदर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। हल्का सा ब्राउन होने पे इसमें मैं चिकन डाल दूंगी अंदर। फ्राई करना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा सिरका। सिरका आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं तो ना डालें। साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी। अब मैं ये चीजें सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डालूंगी। कुछ चीजें मैं कच्ची रखूंगी। हल्का सा इसको फ्राई करके उतार लेना। ये हमारा तैयार है। यहाँ रोटी को मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप, थोड़ी हॉट सॉस और चिली सॉस। सबको मिक्स करके मैं हाथ की मदद से पूरी रोटी के ऊपर फैला लूंगी इस तरह से। इसके ऊपर मैंने चिकन डाल लिया। पिछली दफा मैंने कीमे का बनाया था, आज मैंने चिकन डाला। इसके बाद आ जाएंगी ये वाली चीजें, जो आपकी मर्जी भी है, आप रोटी लंबी रखें या गोल, जिस तरह भी उसी तरह जो आपकी मर्जी है, गोल होगी या दूसरी तरह की, लेकिन बनेगी वो उसी तरह जिस तरह आप चाहती हैं, पैटीज की तरह। उसका जायका भी और वो सारा उसी तरह होगा। रोटी के शेप पे कोई जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ से उठा के आपने इसको रोल करते जाना इस तरह से, इस तरह रोल करने से इसकी तह बन जाएगी और जब आप तोड़ेंगे तो वो बड़ा अच्छा उसका वो आएगा, क्रंची सा और तह दाता है, जैसे हम चाहते हैं उसी तरह ये बनेगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको पूरी को रोल कर लेना। रोल करने के बाद आपने इसको इस तरह काट लेना है इस तरह, जितनी मोटी आप रखना चाहते हैं, ऐसे केक की तरह आपने इसको काटते जाना है पूरा। अच्छा, उसके बाद आपने ट्रे में रख के तो इसके ऊपर ये मैंने इसमें अंडा और दूध मिक्स किया है, इनको इसके ऊपर लगा देना है ताकि चमक के लिए।
अब हम इसको ओवन में रख देंगे। यहाँ मैंने 250 पे गरम किया है, थोड़ी देर के बाद मैं इसको 150 पे कर दूंगी। जी, तो पैटीज तैयार हैं। पिछली दफा मैंने कीमे के बनाए थे और उसके अंदर मैंने चीज भी डाली थी, तो इस वजह से उनका रंग जरा ज्यादा ब्राउनिश था। तो इस दफा चिकन के हैं तो शायद आपको थोड़ा सा इसके कलर में फर्क लगे, लेकिन बहुत मजे के और अच्छे। जी, देखिए किस तरह इसकी ये चीज। ये जो पैटीज का एक वो होता है, बिल्कुल उसी तरह, ये देखें इसकी तय उसी तरह बनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे दे इजाजत, अपनी दुआओं में मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरी फैमिली को अपने हमेशा से अपने फजलों के साए में रखे। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।